भारी वाहनों की लेन ड्राइविंग के निरीक्षण अभियान को तेज करने हेतु जल्द ही उच्च अधिकारियों की बैठक बुलाई जाएगी। गृह मंत्री, नशा करके वाहन चलाने वाले वाहन चालकों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अनिल विज, वे स्वयं प्रदेश के अन्य जिलों में जाकर राजमार्गों पर लेन ड्राइविंग के संबंध में निरीक्षण भी करेंगे। 27 मई हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि प्रदेश में राजमार्गों पर भारी वाहनों की उल्लंघनाओं को चेक करने के लिए व निरीक्षण अभियान को तेज करने हेतु जल्द ही उच्च अधिकारियों की बैठक बुलाई जाएगी और नशा करके वाहन चलाने वाले वाहन चालकों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। विज आज यहां मीडिया कर्मियों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राजमार्गों पर भारी वाहनों की उल्लंघनाओं को चेक करने के लिए निरीक्षण अभियान को जारी रखा जाएगा और वे स्वयं प्रदेश के अन्य जिलों में जाकर राजमार्गों पर लेन ड्राइविंग के संबंध में निरीक्षण भी करेंगे। निरीक्षण अभियान को सख्ती से चलाया जाएगा। सड़क दुर्घटनाओं के संबंध में पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि साल भर में हरियाणा में सड़क दुर्घटनाओं में लगभग 5000 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। लगभग 5000 लोगों की मृत्यु हो जाती है और लगभग 9000 लोग जख्मी हो जाते हैं और ये सब यातायात के नियमों के पालन न करने से होता है। इसलिए इस निरीक्षण अभियान को सख्ती से चलाया जाएगा। लेन ड्राइविंग के संबंध में अधिकारियों को दिए जाएंगे निर्देश। विजय ने कहा कि मैं बहुत ही जल्द सभी अधिकारियों की बैठक लेने वाला हूं और जिससे सभी पुलिस अधीक्षकों, पुलिस आयुक्तों, डीसीपी व उच्च अधिकारियों से बातचीत की जाएगी और सभी ट्रैफिक पुलिस के अधिकारियों व कर्मियों को निर्देश दिए जाएंगे कि वे सुनिश्चित करें कि भारी वाहनों के लिए जो लेन है उसी लेन में भारी वाहन चले, वे वाहन दूसरी लेन में न आए और ऐसी लेन में अन्य वाहनों को चलने दिया जाए ताकि दुर्घटनाओं से बचा जा सके। यातायात के नियमों का पालन करना व पालन करवाना पड़ेगा। विज, एक अन्य प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि दुर्घटनाओं व नियमों के पालन न करने के बारे में सभी इसके लिए दोषी है। उन्होंने कहा कि यातायात के नियमों का सभी को स्वयं से भी पालन करना पड़ेगा और पालन करवाना भी पड़ेगा। नशा करके वाहन चलाने वाले वाहन चालकों के संबंध में पूछे गए प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि नशा करके वाहन चलाने वाले वाहन चालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। नशे पर हो रहा है प्रहार। राज्य में नशे के कारोबार के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में विज ने कहा कि नशे के खिलाफ हम लगातार मुहिम चलाए हुए हैं। सड़क पर दुर्घटनाओं में हरियाणा में साल में लगभग 5000 लोगों की मौत हो जाती है और लगभग 9000 लोग जख्मी हो जाते हैं और ये यातायात के नियमों के पालन ना करने से होता है। इसलिए इसको सख्ती से चलाया जाएगा। मैं बहुत जल्द सभी अधिकारियों की बैठक भी लेने वाला हूँ, सभी एसपी से, सीपी से, डीसीपी से, उच्च अधिकारियों से बात की जाएगी और सभी ट्रैफिक पुलिस के लोगों से भी बात की जाएगी कि वो इंश्योर करें कि हैवी ट्रैफिक के लिए जो लेन है, हैवी ट्रैफिक उस लेन में ही चले, वो दूसरी लेन में ना आए, उसमें अन्य गाड़ियों को चलने दिया जाए ताकि एक्सीडेंटों से बचाया जा सके। नशे के खिलाफ तो हम लगातार मुहिम चलाए हुए हैं। आप सुन रहे होंगे कि कोई भी दिन खाली नहीं जाता जिस दिन नशे के ऊपर हम प्रहार नहीं कर रहे हैं और सभी जो पुलिस कप्तान हैं वो हर सप्ताह मेरे पास रिपोर्ट भेजते हैं कि उन्होंने कहां कहां पर कितनी रेडे मारी और कितना ये नशे का सामान उन्होंने बरामद किया और मैं फिर उसको देखता हूं और जहां पर ये कहीं कमी होती है मैं उनसे पूछता हूं कि भी क्यों कम रेडे मारी हैं, क्यों कम किया है। तो इसके लिए तो लगातार लगे हुए हैं और हमने तो एनसीबी बनाई है,
हमारे प्रदेश ने तो नशे की कमर तोड़ने के लिए एनसीबी बनाई है, वो एनसीबी भी काम कर रही है। इसकी सजा तो बहुत होनी चाहिए और है भी, मतलब तो मशीनरी को बिल्कुल तेज करने की जरूरत है। और हमने प्रॉपर्टियां अटैच करने का भी हमने काम सिलसिला चला रखा है और ये बहुत प्रभावी है, क्योंकि नशे का कारोबार लोग पैसा कमाने के लिए ही करते हैं, और अगर उसकी पैसे द्वारा कमाई गई प्रॉपर्टी को अटैच कर लिया जाता है तो उसकी कमर टूटती है। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।